नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दाने सांसद कलाबेन ने संसद में दाने एवं दमन दीव को असेंबली देने पर जोर दिया। असेंबली नहीं मिलती तब तक पालिका जिला पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को उनके हक के अनुसार सत्ता देने की बात कही गई। सड़क, पानी, बिजली की समस्याओं का भी जिक्र किया गया। बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। प्रदेश में पंचायती राज होने के बावजूद यहाँ जिला पंचायत, पंचायत एवं नगर पालिका में अधिकार ना होने की वजह से आज भी प्रदेश की जनता मूलभूत सुविधा जैसी अच्छी सड़कें, स्वच्छ पीने का पानी, सस्ती बिजली, अच्छी शिक्षा एवं रोजगार से वंचित है। महोदय, भारत सरकार की सभी स्कीम्स प्रदेश की जनता को घर घर तक पहुंचे, साथ ही जनता को उनका हक और अधिकार मिले और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारे प्रदेश को भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए पूर्ण असेंबली दी जाए। इस संदर्भ में 2014 महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने अध्यक्षता में और स्टैंडिंग कमेटी ने भी दोनों प्रदेश को पूर्ण विधानसभा देने की सिफारिश की थी। यह विषय मैंने 2021 एवं 2019 में तत्कालीन सांसद मोहन भाई डेलकर जी ने भी इस सदन में रखा। यह मुद्दा तीसरी बार आपके सामने रख रही हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी एवं भारत सरकार से नम्र निवेदन करती हूँ कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेकर इस विषय पर उचित कार्यवाही की जाए और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव पूर्ण असेंबली दी जाने की दिशा में कार्य शुरू करने की कृपा करे। महोदय, जब तक असेंबली का गठन ना हो जाए तब तक सभी स्वराज संस्था को पूर्ण अधिकार दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दादरा नगर हवेली।